नमस्कार, मेरा नाम निधि है। मैं अवदान IAS अकेडमी की डायरेक्टर हूँ। मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ अपनी अकेडमी के बारे में। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, अवदान IAS अकेडमी, हमारा फोकस है सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने पर। हम उन सभी बच्चों को जो IAS बनना चाहते हैं या PCS बनना चाहते हैं, मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। हम उनके मार्गदर्शक की तरह उनके साथ चलने का प्रयास करते हैं। अवदान IAS अकेडमी केवल सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेडली काम करती है, उसी के लिए प्रिपरेशन कराती है, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स हो या फिर UPSC हो। हम दोनों मीडियम्स में, इंग्लिश और हिंदी, दोनों मीडियम्स में तैयारी कराते हैं। हम बच्चे को केवल तैयारी ही नहीं कराते हैं, उसके साथ साथ उसके इमोशनल, उसके सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक तैयारी बच्चे की हो पाए। जब वो सिविल सर्वेंट बने, जब वो ब्यूरोक्रेट बने, तो वो एक अच्छे इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझते हुए एक अच्छे नागरिक की तरह उस पोजीशन पर बैठे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। हम समझते हैं अवदान में कि जब बच्चा तैयारी के लिए बाहर आता है या तैयारी करना शुरू करता है, तो वो बहुत कुछ स्टेक पर लगा कर आता है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका समय, बहुत अच्छा समय जाता है इस तैयारी के लिए, उसके साथ पैसा और उसके साथ उसका खुद के इमोशंस अटैच होते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी समझते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हमारे पास आए हैं, उनकी पूरी पोटेंशियल तक हम उनको तैयारी कराएं, उनको प्रिपरेशन में उनको सहयोग दें, सपोर्ट करें, केवल एक मेंटोर की तरह ही नहीं, एक फ्रेंड की तरह भी, एक दोस्त की तरह भी, ताकि बच्चे हमसे खुलकर डिस्कस कर पाएँ। कोई भी समस्या उनको हो, उसका हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस केवल किताबों पर नहीं होता, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर होता है। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एनहांस करने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को समझाते हैं कि उनको केवल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करना, उनको सॉल्यूशंस भी ढूंढने हैं। तो इस तरह से एक स्विच ऑफ थिंकिंग आप कह सकते हैं कि हम उस पर भी बहुत फोकस करते हैं, उस पर भी हमारा विशेष ध्यान होता है। प्रॉपर गाइडेंस इस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस प्रिपरेशन में सहयोग करते हैं हमारे साथ। बच्चों को समय समय पर सही तरीके से कैसे उनको मोटिवेटेड रखना है, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इस पर भी फोकस है हमारा। इसी के साथ साथ अगर मैं एम्फेसाइज करना चाहूँ, तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि NCERT, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस पर भी अवदान पे ध्यान दिया जाता है। हम NCERT बुक्स को इग्नोर नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो इस प्रिपरेशन में ज़रूरी हैं, उनको भी साथ लेकर चलते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का, उस पर भी अवदान में विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ हम रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। जैसे जैसे मॉड्यूल ख़त्म होता है, वैसे वैसे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसको वो समझ में आया है कि नहीं है। हम हर बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बेस्ट ऑफ द पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने ड्रीम के बहुत ज़्यादा पास आ सके। इसके साथ साथ हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इन्हांस कर सकता है, इंटरव्यू में उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अगर चाहिए बच्चे को, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे समय समय पर, लंबी प्रिपरेशन है, समय लगता है इस प्रिपरेशन में, तो उस डीमोटिवेशन को ख़त्म करने के लिए रेगुलर बेसिस पे हम मोटिवेशनल क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पैनल पे एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिनको हम समय समय पर बुलाते हैं, और अगर बच्चे को काउंसलिंग चाहिए तो उनसे काउंसलिंग कराते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। उसके अलावा बच्चे को काउंसलिंग के लिए हम टीचर्स अवेलेबल रहते हैं इंस्टीट्यूट में हर समय। हम एक देहरादून बेस्ड इंस्टीट्यूट हैं, जो कि देहरादून में ही इस्टेब्लिश्ड हैं। कहीं से भी बच्चा आएगा हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली। बॉयज़ को हॉस्टल दिलाने में हम असिस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को उसके ड्रीम तक पहुँचाया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगी समय समय पर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड करते हुए चलूँ। कुछ आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशंस कोर्स रिलेटेड, या फिर मटेरियल थोड़ा बहुत, या कुछ ऐसी वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकती हैं, वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे हम समय समय पर।
सो अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप सिविल सर्विसेज के बारे में, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या ड्रॉप डाउन पे आई विल बी लीविंग माई फ़ोन नंबर एंड दी वेबसाइट, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, बैचेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स या डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे.